अब बात करते हैं देवास की, जहां वार्ड क्रमांक 30 में भाजपा पार्षद प्रत्याशी के रूप में शीतल गहलोत मैदान में हैं, जिनका कार्यकाल का रविवार को विधायक गायत्री राजे पवार, जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल की उपस्थिति में शुभारंभ हुआ। शुभारंभ अवसर पर पार्षद प्रत्याशी शीतल गहलोत ने कहा कि आप मुझे चुनाव जिताओ, मैं पार्षद पद के वेतन के रुपयों का उपयोग नहीं करूंगा और एक एक रुपए का हिसाब भी दूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस वार्ड में कई विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं और वार्ड की समस्या यथावत बनी हुई है। कॉलोनी की NOC के नाम पर रजिस्ट्री ली जाती है, लेकिन कुछ निराकरण नहीं होता है। अब परिवर्तन की आवश्यकता है। जो पार्षद की तनख्वाह होती है उसमें से 10 पैसा भी छुआ नहीं जाएगा, ये सब आप में लगा दिया जाएगा। परिवार विशेष के वोट जोड़ के जो इन्होंने काम किया था, वो पिछले 2 साल की मेहनत से हमने इस सूची पे जितने भी फर्जी नाम थे वो सब हमने हटा दिए हैं। आप सभी को बोल रहेंगे वार्ड हमारा रहेगा तो आदर्श नगर 20 हेक्टर जैसा जगह जहां पर 25 साल पहले गार्डन बन जाना चाहिए था महापौर रहते हुए इनके, लेकिन कोई गार्डन नहीं बना वहां पर। कॉलोनी के NOC को लेकर जितनी समस्या अन्नपूर्णा नगर से लेके शिमला कॉलोनी, विष्णु कॉलोनी, पंडित, आज चुनाव वार्ड क्रमांक 30 के चुनाव कार्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था उद्घाटन का, और इस अवसर पर श्रीमंत गायत्री राजे पवार और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजीव खंडेलाल हमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। अभी इस जो वार्ड में यहाँ पर जो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने उनको उनके 2 बेटे जो हैं भारतीय जनता पार्टी में थे, करिश्मा शेख और आमिर शेख, उनको सभी कार्यकर्ताओं को बार बार फ़ोन लगाकर वो धमकी दे रहे थे और काम करने से मना कर रहे थे। तो इस प्रकार की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग और सब चीज़ें हमारे पास थी, वो माननीय जिलाध्यक्ष जी को उससे अवगत कराया है, और करिश्मा शेख और आमिर शेख इनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करने के लिए हमने आदरणीय जिला अध्यक्ष जी को पत्र दिया है। चुनावी समय में पार्टी विरोधी काम करना, उसके बाद पार्टी में रहना कितना उचित समझता है? ये कुल मिला के अपने पूरे परिवार को किस प्रकार से लाभ दिला जाए, इस प्रकार की योजना 2 बेटे BJP में और बाकी परिवार का प्रत्याशी पिताजी कांग्रेस में, तो उसी को लेके ये उनके प्लानिंग का हिस्सा था, लेकिन आज हमने उनको बेनकाब किया और उसको निष्कासन की मांग की। कितने वोटों से विजयी हुए? देखिए, हम 3845 वोट है और हमारा तो 3845 से ही वोट हमको मिले, उसी प्लानिंग में हम हैं, और अभी परिणाम जो है उस पर फोकस करने की बजाय हम हमारे मेहनत पे फोकस कर रहे हैं।